आप देख रहे हो ये हमारा 0.8 पे हम जा रहे पॉइंट। हेलो भैया, हाय, कहाँ से हो आप लोग? हम राजस्थान से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, दिस इज सुमित जैन। आज हम आ चुके हैं अभी जोशीमठ, और जैसे कि आपने देखा होगा पहला पार्ट, दिल्ली से औली कैसे जाए। तो दिल्ली से औली जाने के लिए हमें पहले जोशीमठ आना है। जोशीमठ से हम रोपवे लेंगे औली के लिए, जिसका अगर रोपवे की हम प्राइस बात करें 1000 अप एंड डाउन राउंड ट्रिप का होता है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर। उससे पहले आप मेरे पीछे नज़ारा देखिए, कितनी खूबसूरत पहाड़ है। और इसी के साथ हम यहाँ रोपवे से जाता है, आपको 20-25 मिनट्स में पहुँचा देगा। 15-16 किलोमीटर का रोपवे का रास्ता। तो ठीक है गाइज, वीडियो में बने रहें और मैं आपको पूरा औली की कम्प्लीट ट्रिप दिखाऊंगा कैसे करना, और सबसे कोशिश करूँगा सबसे कम बजट में प्लान करें। तो चलिए गाइज, आइए मेरे पीछे और हम चलते हैं अब रोपवे की ओर। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ पे रोपवे। रोपवे आपको यहीं से मिलेगी। चलिए ऊपर चल के देखते हैं पहले क्या प्राइस है। जहाँ तक मुझे पता है ओनली 1000 रुपये में आपका अप एंड डाउन होता है राउंड ट्रिप, और वो वैलिड सिर्फ 1 डे के लिए होता है। ये क्या लगा हुआ है, चलिए पास चल के देखते हैं। ओ शिट, रोपवे तो बंद है ड्यू टू लैंडस्लाइड। ओ अब क्या करें, चलिए फिर देखते हैं टैक्सी वैक्सी क्या मिलता है। वैसे रास्ता तो यही था। खैर अगर आप आते हो तो मैं पता करता हूँ ये कब तक बंद रहेगा, फिर बाकी वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। चलिए फिलहाल हम टैक्सी की ओर चलते हैं। तो यही है हमारा जोशीमठ में ओली के लिए जो भी हमारा टैक्सी स्टैंड है। तो चलिए यहाँ से हम पहले फटाफट इसका रेट पता करते हैं। जहाँ तक मेरे को लगता है 1400-1500 रुपये में राउंड ट्रिप होगा। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, तो फिर अभी हमें रोपवे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था क्लोज हो चुका है ड्यू टू लैंडस्लाइड, लास्ट ईयर की बात है। तो अभी हमने कैब लिया, ये टैक्सी मैं आपको रेफरेंस में दे दूंगा, टैक्सी का नंबर है, इनकिन से आपको मिलना है। अगर रोपवे की जैसे कि मैंने बताया था 1000 रुपीज उसका आपका राउंड ट्रिप है। तो इसी तरह से अगर मैंने कैब भी लिया, अगर आप 2% 3% आते तो इस हिसाब से आपको ये भी कुल मिला के उतना ही पड़ेगा। क्योंकि 1 बे का जैसे यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, जाने जाने का हमने 1000 रुपीज में भैया से बात हुई है। मैं भैया का नंबर और नाम बता दूंगा, आप जब भी आते हैं तो आप पहले ही अपनी बुकिंग कर सकते हैं या यहाँ आके भी आप मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं रास्ते में, हमें ऐसे बर्फ तो मिल नहीं रहा है और आगे जाके क्या है वहाँ पे, क्योंकि स्नोफॉल ऐसे जहाँ तक हमें पता चला है सिर्फ 10 दिन पहले हुआ है, तो अभी तक तो पिघल चुका होगा। लेकिन हम जाएंगे 0.10 तक, क्योंकि मेरे को स्नोफॉल दिखाना है या स्नो थोड़ा बहुत भी दिखाना है कि बर्फ है या नहीं है। तो हम जाएंगे 0.10 तक। तो गाइज वीडियो में बने रहो, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ हम इन भैया की कैब में आए हैं। भैया आपका नाम? सर मेरा नाम पीएस रावत है। अच्छा जी, और आप एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बोल दो। सर मेरा नाम पीएस रावत है। हाँ, मोबाइल नंबर? जोशीमठ में रहता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9760-499-510। ठीक है गाइस, तो ये आप वीडियो को सेव कर लेना जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ों पे जैसे कि आपने देखा है नेटवर्क इश्यू रहता है। तो वीडियो सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। एंड मैंने नंबर दे दिया है, 1000 रुपीज तो ठीक है ना आपका? अगर मेरी वीडियो लेके कोई आता है तो प्लीज देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है गाइस। तो मिलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं आपको वहां पे स्नोफॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, बर्फ कितना है, तब तक वीडियो में बने रहें। ये देखो, ये हमें थोड़ा बहुत तो इधर दिख रहा है जो हुआ था स्नोफॉल, वही बर्फ। चलिए आगे देखते हैं। वाओ, ये क्या है? तो गाइज ये देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा तो नहीं है। जब आप आओगे 15 जनवरी 17-18 या 26 जनवरी के आसपास, ये पूरा देख रहे हो रोड ऐसे जमा रहता है बर्फ से, उस टाइम आप प्लीज खुद ड्राइव मत करना, बिकॉज बहुत ज्यादा स्किड होती है यहाँ पे गाड़ियाँ, तो सेफ रहना प्लीज। मैं रास्ता आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस पे आप खुद ड्राइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बिकॉज बर्फ बहुत ज्यादा जम जाते हैं इस रोड पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर मेरे पीछे आपको बहुत सारी कॉटेज दिख रही होंगी येलो येलो कलर की। अभी हमने यहाँ पे रेट पता किया, बट यहाँ ऑलरेडी सारे बुक्ड है, सब ऑनलाइन बुकिंग है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं, न्यू ईयर अपना प्लान करना चाहते हैं इन ओली, तो आप अपने स्टे का अगर आप ऊपर रुकना चाहते हो तो प्लीज़ पहले आप ऑनलाइन बुक कर लेने, आपको booking.com पे भी आराम से मिल जाएगा, और मेक माई ट्रिप गोवा भी, और सब मिल जाएगा, मैं बाकी दिखा दूंगा। अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्टे में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी अब चलते हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देखो, GMVN की भी रेजिडेंसी है और इसकी रिजॉर्ट भी है, इनमें भी जाके मैं पता करता हूँ कैसे क्या है, और जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। तब तक गाइस वीडियो में बने रहें, और फिर हम आगे आपको ओली लेके चलते ऊपर की साइड। ये अभी हम ओली में आ चुके हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं GMVN के काउंटर पे, और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या कैसे है। ये इसका काउंटर है, यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो ये है सुपर डिलक्स, डिलक्स, सेमी डिलक्स, और ये आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो।
तो गाइस हमें रूम मिल चुका है, ये डिलक्स हर्ट है GMVM में। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं रूम की ओर। ये देखो यही हमारा रूम। चलो मैं एंटर होता हूँ। ये डिलक्स हर्ट 8 नंबर है, ये आपको देखा होगा। ये एक हमारी प्यारी सी बालकनी है जहाँ ये अच्छा से कर्टन्स है, यहाँ से व्यू आता है हमारे, ये बालकनी व्यू। ये कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुआ था तो बाकी ये देखो यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है। और यहाँ से ऊपर जाते हैं हम केबल कार के लिए, ले जाएंगे वहाँ पे भी आपको। पहले रूम विजिट करवा देता हूँ। ये रहा हमारा बेडिंग। बेडिंग अगर मैं बात करूँ, डबल स्प्रिंग मैट्रिक्स है, एक बार बैठ के भी देख लेते हैं। हाँ, बाकी यहाँ पे एक टीवी है, एक हमारा हीटर दे रखा है, एक केटल दे रखा है गर्म पानी के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ का वॉशरूम कैसा है, उससे पहले एक ये देखो एक हमें कवर दे दिया है। और वॉशरूम भी ओवरऑल फाइन है, ठीक है, गीजर के साथ है। तो देख लिया आपने, यहाँ पे 2 सोफे रूम का, ऑलमोस्ट सबका ये हर्ट है, सबका सेम साइज है। तो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कि ये रूम हमें पड़ा कितने में। तो इसका जो GMVM की वेबसाइट पे भी आप जाओगे, ये डिलक्स हर्ट है, डिलक्स हर्ट ओनली 3200 इंक्लूडिंग GST। तो ये 3200 रुपये में हमें पड़ गया। और कैसा है ये रूम, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। बाकी अब मैं आपको जल्दी से लेके जाऊंगा चेयर कार और वहां से ओली पॉइंट नंबर 8 और 10 घुमाऊंगा। ये आपका GMVN ओली है, अगर आप भी कभी बुक करते हो ऑनलाइन तो प्लीज GMVN ओली डाल के सर्च करना, बुक करना। और प्लीज कम से कम 20 दिन पहले आपको बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगी प्रॉपर्टी। मेरे को बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, ऐसे ऐसे करके मिला है, तो ठीक है, जुगाड़ से हुआ है। तो आप प्लीज जल्दी करना, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं आगे के, जब हम जाएंगे पॉइंट 10 और 8 पे। 8 तक हम केबल कार से जाएंगे, पॉइंट 10 तक हम ट्रैक करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहे गाइस, मैं आपको डिटेल देता रहूंगा और लास्ट में बताऊंगा ओवरऑल कितना खर्चा आएगा। तो एक इसका सेपरेट में वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, जो कि हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, जिसमें देखो हलवा है, पूड़ी है, सब्जी है, ब्रेड है, चाय है, हाँ बहुत कुछ है, 5-6 आइटम, ठीक है फिलहाल के लिए। तो चलिए खा पी के निकलते आगे। ये हमने ले लिया है थोड़ा सा। और ये देखो ये इनका सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। गाइस ये आ चुके हम टिकट काउंटर, जिसका प्राइस है 500 पर पर्सन राउंड ट्रिप। और ये देखो ये इनका स्टेशन हो गया, जहाँ लाइन देख रहे हो अभी से लाइन इतनी ज़्यादा लग गई है। और अभी तो 12 ही बज रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं बस इतना कहूँगा, जल्दी से नहा धोके तैयार होके यहाँ आ जाओ। और अगर आप ट्रैक करके जाना चाहते हो तो ये रास्ता आपको दिख रहा होगा। रुको मैं जूम करता हूँ, ये देखो ये रास्ता ट्रैक करके भी जा सकते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप अपना 500 और बचाना चाहते हैं तो बचा सकते, अदरवाइज चेयर कार का मजा लो। तो देख रहे हो यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये मैंने जूम किया क्योंकि ये 0.5 है शायद। तो गाइज आप भी आओ इस चीज़ को, यहाँ आके इंजॉय करो, ऐसे वीडियो देखने से नहीं आएगा मज़ा, ये चीज़ आके एक्सपीरियंस करने की चीज़ है गाइज। तो प्लीज़ बनाओ प्लान। 0.4 अच्छा, 0.8 तक जाना है ना। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो गाइज ये आपको दिख रहा है यहाँ से नज़ारा। सोचो 15 जनवरी के बाद तो यहाँ स्नोफॉल ही स्नोफॉल होता है, पूरा सफ़ेद चादर और ठंडी हवा, जब आपके मुंह को ऐसे टच करके जाएगी ना, तब की फीलिंग तो अलग ही है। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्नोफॉल का तो नामो निशान है। ये आप लेक देखो, मैन मेड लेक है बेसिकली, ये वाटर स्टोरेज के लिए बनाया गया है, जिसमें 25,000 लीटर के आसपास शायद हो जाता है इसमें स्टोर। अब उतना और कितना होता है मुझे नहीं पता एक्जैक्ट, लेकिन आप इधर आओ मेरे पीछे आ सकते हो। इधर देखो ये पूरा हमारा लेक सूखा पड़ा है, जो मैन मेड लेक है। और यहाँ पे जैसे पहले हम, ये 0.8 है हमारा 0.8, यहीं पे आपको इधर की साइड नंदा देवी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, जो कि एक रिजॉर्ट है। और वो देखो वो आपका 0.8 है। तो बाकी हम और आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं व्यू तो बहुत अच्छा। अगर नज़ारे की बात करोगे हिल स्टेशन, लेकिन ओली जो लोग आते हैं, ओली लोग बेसिकली आते सिर्फ स्नोफॉल और स्कीइंग के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और 0.10 तक चलते हैं और आपको 360 व्यू दिखाता हूँ मैं, तब तक वीडियो में बने रहे। तब तक गाइस आप ये मेन मेड लेक का एंजॉय करो और मैं देखता हूँ, मैं लोगों से बात करके देखता हूँ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। तो हेलो भैया, हाय, कहाँ से हो आप लोग? हम राजस्थान से। अच्छा राजस्थान में कहाँ से? बाड़मेर। अरे वाह, तो कैसे एंजॉय कर रहे हो ट्रिप? ओली ट्रिप अच्छा बढ़िया है, अभी ट्रैक डाउन करके आ रहे हो आप? चलो बढ़िया है, फिर कैसा रहा यहाँ ओली का ट्रिप? शानदार, बढ़िया है ना। थोड़ी बार बार चलो ठीक है, हम भी आएंगे राजस्थान, फिर मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू। ओके ब्रो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये हमारा 0.8 पे, हम जा रहे 0.9 की ओर। एंड हमें यहाँ पे बर्फ दिखना स्टार्ट हो चुका है,
बाकी 0.8 पे तो कुछ नहीं है, यहाँ थोड़ा संभल के आना है क्योंकि यहाँ पे पानी पानी हो रहा है। ये आपका मैन मेड लेक है जहाँ पे पानी स्टोरेज के लिए बस बनाया गया और नथिंग एल्स। यहाँ ऊपर की ओर तो मेरे को पूरा स्नोफॉल दिख रहा है क्योंकि स्नोफॉल की अगर लास्ट डेट मैं बताऊँ 12 दिसंबर, उसके बाद स्नोफॉल हुआ नहीं है। एक यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये छोटी सी मंदिर है लेक के जस्ट अपोजिट। चलिए ठीक है गाइज, आगे चलते हैं, जल्दी से 0.9 और 10 कवर करते हैं, फिर आपको 360 व्यू दिखाता हूँ और बाकी डिटेल्स चलते चलते बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर में आ चुका हूँ, ये देखो 0.9 है ये जो आपको दिख रहा होगा। अब हम 0.10 की ओर जाएंगे क्योंकि स्नोफॉल यहाँ हो रखा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये स्नोफॉल है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर बोल रहे कि 360 व्यू की ओर जाना है वहाँ स्नोफॉल मिल जाएगा, और भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, सब में कवर कर रखा है, बाकी मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चला है इतने में ही। वैसे अगर इस हिल स्टेशन की हम बात करें तो सिर्फ स्नोफॉल एंड आइस स्केटिंग के लिए ही फेमस है, तो आप भी ये गलती ना करें, आराम से 15 जनवरी के बाद आए तब ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज सुनने में आए 27 दिसंबर के बाद भी स्नोफॉल हो सकता है, तो आप अपना ट्रैक और ट्रैक कह रहा हूँ ये हिल स्टेशन आप प्लान कर सकते हैं। तब तक बाकी गाइज वीडियो में बने रहे, मैं आगे पॉइंट की ओर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइज इसी के साथ हम पॉइंट नंबर 10 पे पहुंच गए। ये आप देखो ये पुराना वाला रोपवे जो आता है जोशीमठ से, ये इसका स्टेशन हो गया और हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखो ये वही है रोपवे जो टूट गया है। ये 10 पॉइंट तक आती है जो आपका जोशीमठ से आता है, सुनने में आया नेक्स्ट ईयर से फिर से स्टार्ट होने वाला है। चलिए अब आगे निकलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें बर्थ की खोज की, एंड ये देखो मेरे पीछे हमें बर्थ मिल चुका है। अब हम इसके पास, यहाँ ये तो डाउन साइड है, हम अपसाइड जाएंगे जहाँ से 360 व्यू आता है। ये देखो यहाँ पे भी बर्फ है और आप वो देख रहे होंगे लोग आ रहे हैं ऊपर की साइड से, हम वहाँ ऊपर जाके वहाँ हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल 360 व्यू में एक अच्छा जहाँ से हमें बर्फ मिल जाएगा। तो चलिए गाइज बने रही वीडियो में, मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। आपके पास गाइज ये घोड़ा खच्चर का भी ऑप्शन है जिसकी बात कर तो 1200 रुपये में राउंड ट्रिप देते हैं ये। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये हम जंगल ट्रैकिंग कर रहे हैं अभी, और अप्रॉक्स अब सिर्फ आधा किलोमीटर और बच रहा है 360 पॉइंट के लिए। तो अगर आप भी आना चाहते हो और आप अगर घोड़ा खच्चर नहीं लेना चाहते, आप ट्रैक करके इजीली जा सकते हो। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ ट्रैक कुछ इस प्रकार है। तो गाइस आप देख सकते हो ये जंगल है और इसी प्रकार का ट्रैक है जैसे ये देख रहे हो आप, बस चढ़ते जाना है। अगर घोड़ा खच्चर के दाम बताऊँ 0.8 से 1200 में राउंड ट्रिप, 8-850 रुपये में सिर्फ आपको ऊपर ले जाएगा, लेकिन मैंने नहीं किया। रीज़न ये, एक्सपीरियंस तभी मिलता है जब आप पैदल करोगे। ठीक है गाइस वीडियो में बने रहो, आई होप बहुत जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा 360 व्यू पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो ये घोड़ा खच्चर से लोग जा रहे हैं, अगर आप नहीं चल सकते हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज ट्रैक करो, वैली का मजा लो क्योंकि यहाँ तो स्नोफॉल देखने को मिल नहीं रहा है। आई थिंक ऊपर मिल जाए, वैसे तो सुनने में आ रहा है कि ऊपर बहुत कुछ है। तो चलिए गाइज जल्दी से चलते हैं ऊपर की ओर और आपको दिखाते हैं नज़ारा वहाँ का। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये हम टेम्पल आ चुके हैं, यहाँ से महज 400-500 मीटर और है, उसके बाद देखते हैं। तब तक वीडियो में बने रहो, मैं लेके चलता हूँ आपको 360 व्यू की ओर। ये देखो गाइज मंदिर पंडियार देवता है, यहाँ लोग पूजा करके आगे निकल रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट निकलेंगे क्योंकि हमारे प्लान में ये नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। हर हर महादेव। तो गाइज ठीक है आगे बने रहे वीडियो में, अब मैं आपको बहुत जल्दी लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स घोड़ा बस आपको यहीं तक लेके आएगा, ये देख रहे हो आप घोड़ा स्टैंड है, उसके आगे वो आपको स्नोफॉल दिख रहा है, वहाँ हम जाएंगे अभी 360 व्यू के लिए। तो ठीक है गाइस वीडियो में बने रहो, मैं बहुत जल्द आपको वहाँ लेके चलता हूँ।
तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं 360 व्यू पॉइंट पे। बस आप देख रहे हो ऊपर पॉइंट, वहां हमें जाना है फिलहाल। अब ये देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, यहाँ भी पॉइंट है, ये सब स्टार्ट हो चुका है। किसी भी पॉइंट पे आप चढ़ के ले सकते हो 360 व्यू का आनंद। लेकिन हम वहाँ जाएंगे, वो दूर दिख रहे हैं ना आपको लोग, अप्रॉक्स 300-400 मीटर और है। आ जाओ हम मैदानी एरिया से चलते हैं, नहीं तो जितना हाइक होगा उतनी दिक्कत होगी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ट्रैक करके आ रहा हूँ नीचे से ऑल अप्रॉक्स ट्रैक की अगर लेंथ की हम बात करें 4 किलोमीटर है, हमें 2 घंटा लगा। ये देखो लोग ऊपर जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो हम इधर नहीं जाएंगे, हम सबसे टॉप पे पीक पे वहाँ जाएंगे। तो ठीक है गाइज, वीडियो में बने रहो। वीडियो कैसी लग रही है ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं थक बहुत ज़्यादा चुका हूँ इसलिए मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बट आई होप आपको डिटेल्स मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको मेरा इंस्टा दिख रहा होगा, आप वहाँ इंस्टा पे आके DM करो या कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपको डिसअपॉइंट ना होने दूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो स्नोफॉल हमें मिल रहा है, और धीरे धीरे आ जाओ आगे आते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर हम चढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरी एनर्जी दोबारा आते हुए दिख रही है। वैसे तो ये बहुत हाई पीक पे है 360 व्यू। जब भी आप आओगे मैं तो कहूँगा अगर नहीं चल पाते हो और सिर्फ इन्जॉय करने आ रहे हो, घोड़ा खच्चर ले ही लेना, 500-600 रुपये बस लेगा वन वे, जाने के लिए आप जा सकते हो। बाकी देख लो यहाँ से आपको और अदर पीक दिखेगा, अभी हम ऊपर जाके आपको दिखाते। ठीक है गाइज, वीडियो बने रहो और आते रहो मेरे साथ ऊपर की ओर। क्या है प्राइस क्या? अच्छा वो ब्रह्म कमल तो अप्रॉक्स 15,000 फीट से, मतलब 15,000 फीट से ऊपर ही होता है ना, ये वाला बता रहे हो कौन सा? ये बरमाल, और वो हाथी घोड़ी पालकी बोलते हैं। अच्छा हाथी घोड़ी पालकी, और ये आपका दोनागिरी पीक, ये हनुमान जी ने उठाए। हाँ हाँ, यहाँ पे ट्रैक होता है 7 डेज का। ओके, और ये हो गया आपका नंदागिरी। हाँ ओके, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं, यही है 360 व्यू एंड गॉडसन वैली से पूरे को कहते हैं, जितना आपको दिख रहा है ये आप देखो ये पूरा गॉडसन वैली है। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ एक बार, ये देखो ये पूरा गॉडसन वैली का ट्रैक माना जाता है, यहीं से ही आपका 360 व्यू है। ये जो आप देख रहे हो ये सब आपका 360 व्यू है। और मैंने आपको जैसे कि वीडियो पहले बताया था इन सारे उसके पहाड़ों के बारे में, नंदा देवी है, हाथी क्या क्या कहते हैं उसे, पार्वती वैली है, उसके बाद वो संजीवनी जहाँ से हनुमान जी लेके आए थे, तो सब कुछ यहीं पे। तो गाइस अगर आप भी आना चाहते हैं, अपना न्यू ईयर यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको स्नोफॉल कम दिख रहा है, लेकिन जब हम ऊपर, वो देखो जब हम वहाँ ऊपर जाएंगे ना गॉडसन वैली के पीक पे, तो वहाँ बर्फ़ है। तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मैं थोड़ा अनफिट सा फील कर रहा हूँ। तो बस आज के वीडियो को यहीं करते समाप्त, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और अच्छी लोकेशन के साथ। और गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि मैंने जितना आपको गाइड किया क्या ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी या नहीं लगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट में बस एक सब्सक्राइब एक लाइक कर देना, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग के में।